हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामिंग साइट। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग सीएसएस के बारे में और भी आगे की चीजें को देखने वाले हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे सीएसएस के अंदर कलर यूनिट क्या होता है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग सीएसएस के इंट्रो देखे थे, सीएसएस होता क्या है, सीएसएस के अंदर कैसे सीएसएस का सिंटेक्स होता है, कैसे सीएसएस को लिखा जाता है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले ये देखें जो सीएसएस के अंदर सबसे पहला क्या होता है, हमारे पास एक सिलेक्टर होना चाहिए। सिलेक्टर के बाद क्या होना चाहिए, उसको एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और ब्लॉक में क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखते हैं। वहां पे ये भी चीज हम लोग देखे थे सीएसएस कितने प्रकार से लिखा जाता है, तो वहां पे हम लोग देखे थे सीएसएस को हम लोग क्या लिखते हैं, इनलाइन भी लिखते हैं, उसके अलावा इंटरनल सीएसएस के रूप में भी सीएसएस को हम लोग लिख सकते हैं स्टाइल टैग की हेल्प से, और साथ ही साथ हम लोग एक्सटर्नल फाइल को भी ऐड किए थे, और उसी एक्सटर्नल फाइल को हम लोग क्या किए यहाँ पे कैंट फाइल से क्या किए, कनेक्ट करके देखिए कैसे कनेक्ट किए। तो लिंक रील इज इक्वल टू स्टाइल से टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश सीएसएस एचडीएफ के अंदर जो हमारे सीएसएस का पेज जो होता है, जिस जगह पे रखा रहेगा उसका हम पूरा लोकेशन एड्रेस या पाथ कह सकते हो ये हम डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस को कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने थे जब भी आप लोग सीएसएस को कनेक्ट करोगे, तो जब भी आप लोग सीएसएस को लिखोगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से सीएसएस को यूज करना चाहिए, सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस को मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किस सीएसएस को यूज करना चाहिए, एक्सटर्नल सीएसएस को, इंटरनल या इनलाइन सीएसएस को अवॉइड करना है। एकदम बहुत ज्यादा जरूरी हो तब जाके हमें इनलाइन या इंटरनल सीएसएस यूज करना चाहिए, अदरवाइज हमें हमेशा एक्सटर्नल सीएसएस यूज करना चाहिए। अब चलिए सीएसएस में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा था सीएसएस के अंदर, सीएसएस के कंपोनेंट्स कंटेंट के अंदर, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सीएसएस कंटेंट के अंदर, सबसे पहले मेजरमेंट्स यूनिट क्या होता है, कलर वैल्यू क्या होता है, और सीएसएस के अंदर कमेंट क्या होता है, कैसे कमेंट करते हैं, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सीएसएस के अंदर कोई भी चीजों को मेजर करने के लिए आप कई सारे मेजरमेंट वैल्यू का यूज करते हो, कई सारे मेजरमेंट वैल्यू कहते हैं मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हो, जिसमें से सबसे पहला आपका क्या आता है, परसेंटेज आ जाता है। जैसे आप विड्थ इक्वल टू 100% लिखते हो ना, तो परसेंटेज भी क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट बोले तो एक मापन इकाई है। परसेंटेज क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है यानी कि मापन इकाई है। उसी तरीके से सीएम होता है, देखते हो ना कोई भी चीज का लेंथ हाइट विड्थ मापते हो तो उसको कभी सेंटीमीटर में बोलते हो, तो कभी मिलीमीटर में बोलते हो, तो कभी डेसीमीटर में, कभी किलोमीटर में बोलते हो, तो वो सब अपने आप में क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है। तो सीएसएस के अंदर भी अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट हम लोग अलग अलग मेजरमेंट यूनिट का यूज करते हैं, यही चीज यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो कई बार टेक्स्ट को आप सेंटीमीटर में लिखोगे तो कभी ईएम में लिखोगे, तो कभी इंचेज में लिखोगे, तो कभी एमएम में लिख सकते हो, कभी पीटी में लिखोगे, पीटी यानी कि पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट क्या हो जाता है, एक पॉइंट इक्वल टू 1 इंच का 72 भाग होता है, 72nd भाग हो सकता है, कभी पिक्सल में लिखोगे। कैसे लिखते हैं, तो जैसे कि हम लोग चलते हैं अपने सीएसएस फाइल के ऊपर, और यहाँ पे देखना सबसे पहला हमारे पास क्या रहता है, एच टैग को छोड़ो हम पी टैग के अंदर ही चलते हैं। इसको सबसे पहले तो हम लोग रन कर लेते हैं एक बार को, फाइल को डबल क्लिक करते हैं, जिससे क्या होगा पेज हमारा रन हो जाएगा। जैसे मान लो ये फॉन्ट हम लिखे, या इसके नीचे कुछ फॉन्ट को हम अभी के लिए टाइप कर देते हैं, टेबल के जस्ट नीचे कुछ फॉन्ट को हम लोग टाइप करते हैं, किस टैग के अंदर, पी टैग के अंदर। अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, पी टैग के अंदर दिस इज अ पैराग्राफ को टाइप करते हैं। और जैसे अब हमको क्या बताए थे लास्ट क्लास में, यहाँ जो एचटीएमएल के अंदर जो हमारा टैग होता है, एलिमेंट होता है, वही सीएसएस के अंदर किसके रूप में वर्क करेगा, सिलेक्टर के रूप में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी के बाद एक ब्लॉक देंगे, ब्लॉक को स्टार्ट 2 बार इंटर करके ब्लॉक को इंड कर देंगे। किस तरीके से ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, किस साइन से, तो कर्ली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के साथ ही इंड करते हैं। यहां तक आप लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हमें सबसे पहला एक प्रॉपर्टी आता है, कौन सा प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। यहीं पे आप लोग ये मेजरमेंट यूनिट का बहुत अच्छे से यूज देख सकते हो, जो अगर हम कंट्रोल एस करते हैं, कुछ भी अभी फॉन्ट साइज मत डालो, और इसे एक बार को रिफ्रेश कर दीजिए, तो नॉर्मल सा फॉन्ट हमारा कौन सा रहा, रेड कलर में आ रहा है,
12 पिक्सल या 14 पिक्सल का फॉन्ट साइज आ रहा है, हमें इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 20 पिक्सल लिख सकते हैं। 20 पिक्सल में लिखेगा तो देखिएगा एक प्रॉपर जो है तो फॉन्ट का साइज आ जाएगा आपका, अच्छा खासा फॉन्ट का साइज आ गया। इसको और ज्यादा इंक्रीज करना है तो आप देखो पिक्सल मीन्स क्या, 20 डायरेक्टली लिख सकते हो, डायरेक्टली 20 भी लिखा जा सकता है, रिप्लेस करेंगे डायरेक्टली 20 भी लिखिएगा, कोई डिजिट लिख के छोड़ दीजिएगा तो भी वो बाय डिफॉल्ट कौन से मेजरमेंट यूनिट के बेस पे चलेगा, पिक्सल पर चलता है। स्क्रीन के अंदर बाय डिफॉल्ट कौन सा मेजरमेंट यूनिट वर्क कर रहा होता है किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन के अंदर, पिक्सल। तब तो देखते हो ना 10 24 × 768 पिक्सल बोलते हो, 10 1080 पिक्सल × 720 पिक्सल बोलते रहते हो किसी भी, देखते हो ना टीवी स्क्रीन वगैरह का रेजोल्यूशन का जो मेजर किया जाता है वो आपको पिक्सल में मापा जाता है। तो 1080 × 720 अगर कोई बोल रहा है तो यानी कि 10 80 पिक्सल × 720 पिक्सल क्या है, उसका मेजरमेंट यूनिट है, मापन इकाई है, यानी कि विड्थ कितना होगा स्क्रीन का, 1080 पिक्सल होगा, और हाइट क्या होगा, 1020 पिक्सल, सॉरी 720 पिक्सल होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पे केवल 20 कोई डिजिट लिख के छोड़ दोगे तो वो किस बाय डिफॉल्ट किस में वर्क करेगा, पिक्सल में वर्क करेगा, लेकिन उसके आगे पीएक्स भी लगा देते तो भी पिक्सल में। अगर हम इसी जगह पे आईएल टाइप कर देते तो इट मींस क्या, फॉन्ट का साइज 20 इंच, इंच जो है सो आपको क्या होता है पिक्सल से ज्यादा बड़ा साइज होता है। अब देखना इसको हमको खोजने में, देखो 20 इंच में देखो कहाँ जा रहा है, कितना बड़ा वर्ड का साइज आ रहा है, इसको पूरा को हम देखते ही रह जाएंगे ऐसे में दिस इज, ठीक है। तो अब इसको 20 इंच नहीं रखो, ये काम करो आप 2 इंच कर दीजिए इसे, ठीक है, और रिफ्रेश कीजिए, देखिए 2 इंच में भी कितना बड़ा साइज आ रहा है, 1.2 इंच कर देते हैं तो भी देखना, कंट्रोल एस प्रेस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 इंचेस भी आता है। इंचेस से सबसे छोटा, सबसे पहले मेरे पास क्या आता है यहाँ पे देख लेते हैं, परसेंटेज आ गया, तो फॉन्ट का साइज परसेंटेज में देना कभी विड्थ वगैरह के लिए, और यहाँ पे 200% डाल दे सकते हो आप लोग, कंट्रोल एस रिफ्रेश, तो फॉन्ट का साइज परसेंटेज में डालिएगा तो बाय डिफॉल्ट जितना परसेंट का आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बीटेक पे 12 पिक्सल का आता है तो 12 पिक्सल के अकॉर्डिंग क्या किया, 200% यानी कि 2×24 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे परसेंटेज फॉन्ट साइज वगैरह में कहीं परसेंटेज मत यूज करना कभी भी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पिक्सल यूज करना है या REM या EM यूज करना है। अब पिक्सल के परसेंटेज के बाद CM, CM क्या होगा, CM आप इसके जगह पे CM डाल सकते हो 10 सेंटीमीटर। CM जो है ये एक प्रकार का छोटा वाला मेजरमेंट यूनिट होगा, छोटा सा आपको क्या करेगा, इंचेस के कंपेयर में छोटा सा रहता है, ये देखो 20 सेंटीमीटर ले रहा है और पिक्सल के कंपेयर में बड़ा सा साइज होता है तो आप इसको 5 सेंटीमीटर डाल दें, कंट्रोल एस रिफ्रेश, देख सकते हो। तो अलग अलग आप लोग क्या करोगे मेजरमेंट यूनिट यहाँ पे टाइप कर करके चेक कर सकते हो, इंचेज मिलीमीटर, मिलीमीटर काफी छोटा होता है, रिफ्रेश देख सकते हो 5 मिलीमीटर कहाँ छोटा चला जा रहा है। इसके बाद पॉइंट, पॉइंट तो और ज्यादा छोटा आपका आ जाएगा, 5 PT टाइप कर सकते हो, देख रहे हो ना पॉइंट एकदम छोटा सा मेजरमेंट यूनिट आता है, तो पॉइंट कभी भी 30 PT कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद पिक्सल हम लोग देख ही चुके हैं, तो ये अलग अलग प्रकार का CSS में मेजरमेंट यूनिट देखने को मिलेगा, लेकिन हम किसको यूज करने वाले हैं, हम जो ज्यादा करके बेस यूनिट तो लेके चलते हैं पीएक्स का लेके चलने वाले हैं, और आप लोग भी ज्यादा करके पीएक्स को ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करने वाले हो, इसमें थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है, तो आपके माइंड में ना चीजें बैठ जाता है कि हाँ 20 पिक्सल लिख रहे हैं तो एक माइंड पे आइडिया आ जाता है कि इतना बड़ा फॉन्ट साइज आएगा, 18 पेज साइज का आएगा, क्योंकि हम लोग तो जब से कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट करते हैं ना वहां पे पिक्सल में ही यूज करते रहते हैं, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट कंप्यूटर के अंदर ज्यादा करके फॉन्ट वगैरह या कुछ भी वर्क करना रहता है तो वहां पिक्सल पे ही हम लोग यूज करते रहते हैं, तो पिक्सल का ना कहीं दिमाग पे बैठा हुआ रहता है कि हाँ ये चीजें इतना ही फॉन्ट साइज आने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, कलर वैल्यू,
सीएसएस के अंदर जो कलर वैल्यू जो हम लोग यूज करते हैं वो आप लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे CSS2 के अंदर। अभी हम लोग CSS2 पढ़ रहे हैं, CSS3 के अंदर 7 प्रकार से देखने को मिलेगा, CSS2 के अंदर 5 टाइप्स का कलर वैल्यू आप डाल सकते हो, 5 टाइप से 5 प्रकार से कलर वैल्यू डाल सकते हो। कौन कौन सा? तो सबसे ज्यादा हम लोग एचटीएमएल में भी यूज करते हुए आए हैं, सबसे ज्यादा जो आप लोग कलर वैल्यू यूज करने वाले हो हेक्स कोड का यूज करने वाले हो, ठीक है, उसका शॉर्ट हेक्स का भी यूज कर सकते हो, आरजीबी भी यूज कर सकते हो। आरजीबी कभी कभी यूज देखने को मिलेगा जब एक ही जगह पर 2 कलर 3 कलर अगर यूज करना पड़ेगा तो वहां पे देखना आरजीबी वैल्यू ही आप डालोगे, या फिर आप लोग कीवर्ड का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली कलर का नेम भी टाइप कर सकते हो। जैसे मान लो अभी जहां पे हम पैराग्राफ लिखे इसके बैकग्राउंड में हम कोई कलर डालना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में कलर डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे यहाँ पे? सॉरी एट्रीब्यूट बता रहे हैं, कौन से प्रॉपर्टी का? बैकग्राउंड कलर बताए थे, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे। बैकग्राउंड कलर में कौन सा? आप अगर रेड ग्रीन ब्लू कुछ भी कलर का नेम लिख करके कंट्रोल एस करते हो, यहाँ रिफ्रेश करते हो, तो रेड के बैकग्राउंड में भी अगर रेड डालोगे तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, तो येल्लो डालो, कंट्रोल एस कर दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए, येल्लो के ऊपर रेड कलर बहुत अच्छा सा दिख रहा है। और देखो पी क्या है, अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसीलिए पूरे के पूरे ब्लॉक पे ये कलर बना देगा। यहीं पे स्पेन टैग हो गया या ए टैग होता है, जितना दूरी तक टैक्स रहता है उतनी दूरी तक हमें कलर डालता है बैकग्राउंड में। तो ये क्या तरीका हुआ कलर डालने का? ये कीवर्ड वाला तरीका हुआ, ये जो हम यूज किए कौन सा? कीवर्ड का यूज किए, अक्वा ब्लैक बहुत सारा कलर कोड आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखना एचटीएमएल कलर कोड, ठीक है, सिंपली एचटीएमएल कलर कोड डॉट कॉम पे जाना, सारे कलर का ये आपको हेक्सा डेसिमल में और आरजीबीए में एचएसएल में सीएमओआई के में कलर कोड दिखा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे करोगे तो जो भी कलर चाहिए उसका नाम भी यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है, और भी कुछ कलर यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है। अगर इससे भी मन नहीं भरे कि नहीं सर यहाँ पे मेरे मन लाइक है तो पूरा नाम दिखा नहीं रहा है, कुछ ही दिखा रहा है, फूसिया, पर्पल, नेवी ब्लू, टील, हमको और भी कलर चाहिए उसका भी नाम चाहिए देखना। तो आप जब इस चीज को सर्च कर रहे हो तो उसी समय सर्च कर लो एस्टिमेट कलर नेम करके सर्च कर लीजिए या कलर कीवर्ड करके सर्च कर लीजिए, यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब, बहुत सारा कलर नेम आपको दे देगा, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू येलो व्हाइट देख रहे हैं ना, पपाया व्हाइट कौन सा है, डार्क ओलिव ग्रीन, सारे कलर का बहुत सारा कलर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, सबका नाम देगा। लेकिन इतने कलर का नाम याद रखना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा है कलर नेम से अच्छा है कि आप हमेशा कलर कोड को यूज करो, कलर का जो कोड होता है ना ये हेक्स कोड या आरजीबी कोड, इस दोनों में से किसी एक का यूज कीजिए, ठीक है। इतना नाम तो हमें भी याद नहीं रहता, हम भी बराबर यही इसी साइट को ओपन करते हैं एचटीएमएल कलर कोड्स को, वहां से देख करके कलर डाल देते हैं। इसके अलावा मान लो कंट्रोल डी करते हैं, हमको ये बैकग्राउंड कलर ये नहीं चाहिए, येलो ना नेमिंग के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए हमको, ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर दिए सीएसएस कोड को। सीएसएस के कोड को कैसे कमेंट करेंगे? तो कभी भी स्लैश स्टार के साथ स्टार्ट करना कोडिंग कमेंट करना, और फिर स्टार स्लैश लास्ट में टाइप कर दो, तो जिस लाइन तक मान लो यहाँ तक हम कमेंट कर दें इस पे आके इस तरीके से बंद कर सकते हैं। इसके बाद जो तो कुछ भी लिखेंगे वो प्रॉपर नया कोड होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट कैसे करना है, सीएसएस के कोड को कमेंट कैसे करना है, स्टार स्लैश स्टार स्टार्ट करना है, एंडिंग के टाइम स्टार स्लैश दे देना, बस बैक स्लैश बस आपको प्रेस करके बंद कर देना है, ठीक है। जैसे एचटीएमएल के कोड को हम लोग कमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लेस देन साइन को स्टार्ट करते, फिर एक्सक्लेमेशन डैश डैश, और लास्ट में जाकर के फिर डैश डैश देकर के ग्रेटर देन साइन को बंद करते। उसी तरीके से यहाँ पर सीएसएस के कोड को कमेंट करना और आसान है, स्लैश स्टार से स्टार्ट करना है और लास्ट में स्टार स्लैश से बंद कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड कलर येलो की जगह पे अब हम कोड लिख देते हैं, ये तो हमको क्या किए, किसका यूज किए, कीवर्ड का यूज किए, कीवर्ड की जगह पे अब नेक्स्ट कौन सा आ जाता है, आरजीबी आ जाता है। आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू और ए स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट, ठीक है, ये क्या करेगा आपको कलर को ट्रांसपेरेंट करने में हेल्प करता है ए,
अब देखिए इस पे कैसे कलर बनाते हैं, तो सबसे पहले आरजीबी है, समझिए रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, इसको समझिएगा क्या क्या करता है रेड ग्रीन ब्लू। आपको दुनिया में सारा कलर जो बनता है आप देखते हो ये किस बेस पे बनता है, तीन ही कलर पे, तीन जो मेरा प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन ब्लू, इसी को जिस अमाउंट में मिक्स करोगे आपस में उस अमाउंट के अकॉर्डिंग एक नया कलर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रेड का अगर क्या करोगे अमाउंट ज्यादा डाल सकते हैं, और ग्रीन का अगर कम कर देंगे तो थोड़ा सा रेडियस टाइप का, ज्यादा रेडियस टाइप का कलर मिल जाएगा। ब्लू उस पर मिक्स कर दीजिए थोड़ा और अलग तरह का कलर मिल जाएगा। जहां पे तीनों कलर को गायब कर दीजिए तो व्हाइट कलर बन जाता है, तीनों कलर को मिक्स कर दीजिए तो ब्लैक कौन सा व्हाइट कलर बन जाता है, ठीक है, और तीनों को रिमूव कर दीजिए तो ब्लैक कलर बन जाता है। इस तरीके से तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पर जो आरजीबी को डालोगे, आरजीबी का वैल्यू 0 से लेके 255 के बीच में डाल सकते हो, एक कलर का वैल्यू, आर का, आर स्टैंडर्ड रेड, तो रेड का वैल्यू मान लो कि हम 255 डाल दें पूरा डाल, फिर ग्रीन का भी 255, फिर ब्लू का भी 255 डाल दें, किस पे डाल है बैकग्राउंड कलर पर। तो अभी हम मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर बैकग्राउंड में एक कंप्लीटली व्हाइट कलर मिल के आ जाएगा, और तीनों को जब 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीनों कलर को रिमूव कर दोगे तो कोई कलर नहीं, इट मीन्स ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। इंटोलेस 256 तक जा रहा है कि 256 57 तो नहीं जाना चाहिए, कोई बात नहीं, और 255 तक ही हाईएस्ट वैल्यू डाल रहा है आप लोगों को। अब इसमें देखिए तीनों को 0 कर दीजिए, दो को 0 कर दीजिए, रेड ग्रीन को 0 कर दीजिए, और ब्लू को 255 कर दे, तो कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। लेकिन इसी पे ग्रीन कलर जो है 100 तक ऐड कर दो, देखिए ब्लू क्या हो गया, लाइट हो गया। इसमें रेड को भी 200 ऐड कर दीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए, इस तरीके से अलग अलग कलर बन रहा है मेरे पास, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखना जरा ये कलर तो अलग अलग बनाना हम लोग सीख गए, कंट्रोल डी करते हैं, फिर से लाइन चेंज करते हैं, फिर इसको भी कमेंट कर देते हैं, जो कि आप लोगों को सेम चीजें प्रैक्टिस करना है खुद से अभी के लिए। अब इसमें हम ए को अप्लाई करते हैं, अब ए क्या करेगा, इससे पहले आप लोग देखना जरा यहाँ पे बैकग्राउंड में भी कलर है ना, इस बैकग्राउंड के कलर के ऊपर ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मेरा जो पिंक कलर है बैकग्राउंड के कलर के ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। हम चाहते हैं कि हल्का हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी दिखे, ऐसे कंडीशन में आरजीबी ए को यूज करना है, ए स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट या अल्फा बोल सकते हो, अल्फा ही फुल फॉर्म होता है, आई थिंक यहाँ पे एब्सोल्यूट जो डाला हुआ है एब्सोल्यूट रॉन्ग होगा, यहाँ पे अल्फा ही आएगा, रेड ग्रीन ब्लू और एंड अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 1 के बीच में डाला जाता है, आपको वैसे 0 एंड 1 ही तो हुआ, इसके बीच में कौन सा, तो इसको 0.5, 0.2, 0.3, 0.7, 0.9 तक डाल सकते हो, 0.5 डाल देना। फर्स्ट वाला किसके लिए है, रेड, सेकंड वाला ग्रीन, थर्ड वाला ब्लू, और ए स्टैंड ऑन अल्फा। देखो इसके अब जो वैल्यू होता है आरजीबी टाइप करो पहले, और वैल्यू को एक ब्रैकेट के अंदर डालना है, कंट्रोल एस की, यहाँ रिफ्रेश कीजिए, क्या होगा, कलर तो दिखेगा लेकिन ये बैकग्राउंड कलर को भी दिखने दे रहा है। अब कहोगे सर ये हम कैसे मान लें कि बैकग्राउंड कलर को भी दिखने दे रहा है, एक काम करना हो आप लोग यहाँ बॉडी का कलर जो है सो लाइट ब्लू की जगह पे पूरी तरीके से ब्लू डाल दीजिए, रिफ्रेश कीजिए, पूरा ब्लू दिख रहा है, ठीक है, और इसमें ए को रिमूव कर दीजिए, अब ये देखिए ये पूरी तरीके से क्या लग रहा है कि ब्लू कलर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है अपने आप को, ठीक है। एक काम कीजिए इस पे कलर थोड़ा सा रेडियस ज्यादा कर देते हैं, रेडियस नहीं कोई और कलर बना देते हैं, कौन सा कलर बना दे जिसमें चीजें समझ में आए, क्रिम्सन, पिकर पे ही चलते हैं, ठीक है, ग्रीन, चलिए ये वैल्यू है,
कंट्रोल भी, कंट्रोल एस कर दीजिए और रिफ्रेश कीजिए। ग्रीन कलर पता चल रहा है। हम चाहते हैं कि ग्रीन के बैक से मेरा ब्लू भी दिखे, ग्रीन को रहते हुए ब्लू भी दिखे। तो यहाँ पे 0.4 या 5 कुछ भी डालिए कंट्रोल एस, अब रिफ्रेश कीजिए। ये क्या कर रहा है? उसके ऊपर से कलर आई, कुछ ज्यादा ही ओवरलैप हो गया, ओवरलैप नहीं ट्रांसपेरेंट हो गया। देखिए ग्रीन भी दिख रहा है, ग्रीन अपने आप से ब्लू वाले को भी दिखने दे रहा है। ठीक है, ये कलर क्या हो गया? खुद में ट्रांसपेरेंट कर रहा है खुद को, पारदर्शी चीजें, पारदर्शी चीजें पढ़ रहे हो ना, ट्रांसपेरेंट ओपेक है, ओपेक ट्रांसपेरेंट, तो ये खुद को ट्रांसपेरेंट बना रहा है। ठीक है, ये खुद भी रहेगा, इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज कलर वगैरह कुछ है ना तो उसे भी आने देगा। कैसे पता चलेगा? एक काम कीजिए, बैकग्राउंड में इमेज ही डालिए, तब ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो बैकग्राउंड में कभी भी इमेज डालना हो तो आपको ऐसे टाइप करना है, बैकग्राउंड इमेज टाइप करना है। इसको इमेज को अगर लाना हो तो URL टाइप कर दीजिए। URL कैसे आएगा? तो इसके लिए क्या कीजिए, एक बैकग्राउंड में कलर डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या करना है आप लोगों को, कलर नहीं, कलर नहीं इमेज डालना है। तो आप लोग एक नेचुरल इमेज सर्च कर लीजिए, नेचुरल इमेज, ठीक है, कोई सा भी अच्छा सा वॉलपेपर HD, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, एंड चलिए इसको राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लीजिए, जिससे अच्छा खासा इमेज आ जाए। उसका वो सेव इमेज आज, जैसे सेव इमेज आज पे जाइएगा, पूछेगा किस जगह पे डाउनलोड करना है। हमें अपने लोकल डिस्क के अंदर आना है और इसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट Jan 2023, इसके अंदर 9th Feb CSS इंट्रो, इसी के अंदर हम डाल रहे हैं असिस्ट के अंदर IMG, IMG के अंदर सीधा हम केवल नाम टाइप करते हैं नेचर, और इमेज का टाइप क्या है .jpg। ठीक है, सेव एज टाइप .jpg है, इमेज डाउनलोड हुआ, हाँ हो गया डाउनलोड, नेचर .jpg के नाम से। तो यहाँ पे इमेज हम कैसे लिंक करेंगे? देखो जिस जगह पर मेरा इमेज है रखा हुआ उसके, देखो यहाँ पर इमेज किसके अंदर है, नेचर इमेज, एक इमेज नाम के फोल्डर के अंदर। तो हमें यहाँ से बाहर आने पर ही क्या मिल रहा है, CSS मिल रहा है। CSS के अंदर यानी कि style.css के अंदर से कनेक्ट करना है, तो इसको एक बार को बैक बाहर आना पड़ेगा, फिर इमेज के ऊपर जाना पड़ेगा, फिर इसको कनेक्ट करेगा। तो एक बार को जब बाहर आना पड़ रहा है तो डबल डॉट से, करेंट फोल्डर के अंदर से हम नहीं जा रहे हैं, उनको एक बार को बाहर आना पड़ रहा है, फिर IMG के अंदर जाएंगे, IMG के अंदर nature.jpg। ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए और यहाँ से 1 मिनट को, हम यहाँ पर सेव नहीं कर सकते, हमें ये बैकग्राउंड इमेज कहाँ चाहिए, इसके ऊपर नहीं चाहिए, कंट्रोल एक्स कीजिए, बैकग्राउंड इमेज हमें चाहिए इसके जगह पर, बैकग्राउंड कलर बॉडी पर जो हम लोग ब्लू डाले हैं इसके जगह पे डालिए। अच्छा एक और चीज देखिए, इंटरनल CSS लिख रहे हो तो यहाँ पर जो कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, यहाँ देखो ना कलर के साथ कितनी अच्छे से चीजें दिखने को मिल रहा है, लेकिन इंटरनल CSS में क्या उस तरीके से कोई इफेक्ट वगैरह आ रहा है, कलर इफेक्ट नहीं आ रहा है, बस ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें लिखना पड़ रहा है, और एक्सटर्नल में पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी का अलग कलर है, वैल्यू का अलग कलर है, इसके अलावा जो आप सिलेक्टर दिख रहा है उसका एक अलग कलर है, कमेंट किया गया तो ग्रीन कलर दिखा रहा है। तो आपको इसलिए कहते हैं एक्सटर्नल CSS को लिखो। अब यहाँ देखिए इमेज को हम लोग कनेक्ट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना CSS के थ्रू तो आप नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो डायरेक्ट HTML फाइल से जा रहे हैं, तो यहाँ तो डायरेक्टली हम .assist के थ्रू जाएंगे, ठीक है, HTML फाइल के अंदर है, तो CSS फाइल में एक बार को बैक आना पड़ा, HTML फाइल में ऐसा नहीं होगा, डायरेक्टली यहां से हम .slash के जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइल के ऊपर आते हैं, रिफ्रेश कीजिएगा, इमेज आ गया बैकग्राउंड में। अब ये मत देखना कि सर इमेज कट रहा है या क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है इसको मत देखना, इमेज आ गया। अब इसको देखिए यहाँ पे RGBA का वैल्यू, A का वैल्यू रिमूव कर दीजिए, नाम आप RGBA लिखिए या नहीं लिखिए चलेगा। ठीक है, जो भी कलर डाले क्या वो अपने बैकग्राउंड में जो इमेज है क्या वो उसको सही से दिखने दे रहा है?
एवरीवन नहीं नहीं देखने देगा। एक काम करो, इसको थोड़ा सा वेट्स भी प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। वेट्स क्या करते हैं, पैराग्राफ का हम पूरा 100 पिक्सल ना डाल करके, अभी हम लोग देखे हैं ना सेंटीमीटर इंचेज ये सब, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 500 पिक्सल वेट, यानी कि 500 पिक्सल चौड़ाई होगा यहाँ से लेके यहाँ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हाइट भी डाल देते हैं, हाइट भी इतना छोटा सा आ रहा है जितना बड़ा वर्ड है उतना ही आ रहा है, हम ये नहीं चाह रहे हैं। हाइट भी चाहते हैं कितना हो जाए, 300 पिक्सल का हो जाए। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आ गया। वर्ड वर्ड का कलर रेड क्यों आ रहा है, रेड के जगह पे कलर को क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं। #FFF, ये कौन सा हुआ, हेक्साडेसिमल, शॉर्ट है, वर्ड का कलर व्हाइट हो गया। वर्ड को बीच बीच लाना वो अलग चीज है। देखो हमें बस ये सीखना है कि बैकग्राउंड का कलर क्या है, ग्रीन है। हम अगर इसमें ए डालते, ए स्टैंड ऑन अल्फा, अल्फा कलर डालते हैं, और अल्फा का वैल्यू क्या बताया, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0.5 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, जितना ज्यादा डालिएगा उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होते जाएगा। देखिए आप, कलर भी है और बैकग्राउंड इमेज भी दिखने दे रहा है। अब समझ में आया इसका मीनिंग। एवरीवन ए का क्या यूज है, आरजीबी, ये और आरजीबी में अंतर है दोनों में। आरजीबी रखोगे तो सॉलिड कलर डालेगा, आरजीबी ये डालोगे तो क्या होता है, कलर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। 1 डाल दीजिए, ठीक है, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट कीजिएगा, ठीक है, और 9 डाल दीजिए तो ट्रांसपेरेंट को एकदम से कम कर दीजिए, नियर टू क्या कीजिएगा, ओपेक ला दीजिएगा, ठीक है, हल्का सा बैकग्राउंड दिख रहा है। अगर हम 1 डाल देंगे वैल्यू तो क्या होगा, तब ये ट्रांसपेरेंट रह ही नहीं जाएगा, जो आपका आरजीबीए का रहता है वो आरजीबीए ही हो गया, सॉरी आरजीबी हो गया, आरजीबीए नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, मैसेज करें यस नो में टाइप करना, समझ में आ रहा है सबको। गुड, आज देख लीजिए ये छोटा छोटा सा प्रोजेक्ट, अब ये छोटा सा बॉक्स बना के इसके अंदर टेक्स्ट लिख करके आप लोगों को देना है। मान लो अब इसके अंदर जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हमको बीचों बीच चाहिए तो क्या कीजिएगा, आप लोगों को टेक्स्ट लाइन कई बार पढ़ा है ना, टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, टेक्स्ट लाइन इंस टू क्या कर देंगे, सेंटर टाइप कर देंगे, बस हो गया। यही तो CSS है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखो सेंटर आ गया, ठीक है। जहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, कलर वैल्यू, हम लोग तो आरजीबी देख लिए, आरजीबी और आरजीबी देख लिए, शॉर्ट हेक्स और हेक्स कोड क्या होता है, हेक्स कोड को पहले समझिए फिर शॉर्ट हेक्स को समझते हैं। इसको क्या करें, कमेंट कर दे आप लोग, एक ही बॉक्स नहीं, आप लोग अलग अलग 3-4 बॉक्स बनाओगे इसी तरीके से, जैसे हम पी टैग के ऊपर बनाए हैं एक बॉक्स, आप लोगों को 3-4 बॉक्स बनाना है, किसी में बैकग्राउंड कलर कीवर्ड के थ्रू डालना है तो किसी में इसके थ्रू डालना है, और सब में किसी का अलग विड्थ, किसी का अलग अलग हाइट, किसी का अलग अलग फॉन्ट साइज, यानी कि टोटल 4 से 5 बॉक्स आप लोगों को बनाना है, 5ों बॉक्स में अलग अलग कलर स्टाइल वगैरह डालना है, ठीक है। और बॉर्डर के ऊपर ये जो बॉक्स बनाया है ना इसके ऊपर बॉर्डर भी डाल देना आप लोग, कैसे बॉर्डर डालिएगा, तो बॉर्डर सीधा लिख देना है, बॉर्डर को विड्थ दे देना है 2 पिक्सल, और स्टाइल क्या कीजिएगा, सॉलिड, कौन से कलर में, तो ब्लू कलर, ब्लैक कलर, जो भी कलर चाहिए आप कलर का नाम टाइप कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए, इसके चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। अरे अच्छा, बैकग्राउंड कलर क्यों हट गया, क्योंकि बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पे क्या किए हैं, कमेंट कर दिए, अब बैकग्राउंड कलर अलग स्टाइल में हम लोग डालने वाले हैं, सिंपली बैकग्राउंड कलर के डालेंगे और यहाँ पे शॉर्ट हेक्स के अंदर डालने वाले हैं, तो कभी भी शॉर्ट हेक्स नहीं, हेक्साडेसिमल को पहले डालें, तो हेक्साडेसिमल में #टैग के साथ कलर यूज होता है, सबसे पहला 2 कलर जो होता है कलर वैल्यू, आपका पहला दो दो वैल्यू जो होगा रेड होगा, उसका दूसरा 2 ग्रीन होगा, उसका दूसरा 2 क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, RGGBB। अब रेड का वैल्यू जो होगा, पहले जो कलर का वैल्यू होगा 0 से लेकर के F तक होगा, 0 से लेकर F तक क्या हो गया, हमको 9 तक ही, 0 अगर नंबर वाइज चल रहा है तो 9 तक होना चाहिए, तो F तक कैसे, तो 0 से लेकर 9 तक रहेगा ही रहेगा, उसके बाद A से लेके F तक भी एक्सेप्ट करता है, टोटल 16 डिजिट तक ये वैल्यू एक्सेप्ट, ठीक है। तो सेम गोज विथ ऑल ग्रीन एंड ब्लू,
ठीक है, तो इसमें भी आप डाल सकते हो 0 से लेके 9, और या फिर अगले वाले में 0 से लेके 9 तक ही डाल दो, या फिर दोनों में ए डाल दो, दोनों में बी भी डाल दो, या फिर 9 ए डाल सकते हो, 1 बी डाल सकते हो, कुछ भी 0 से लेके 9 तक कुछ इसके लिए डाल सकते हो, और फिर 0 से लेके 9 तक इसके लिए भी डाल सकते हो, फिर ए से लेके एफ के तक इसके लिए भी डाल सकते हो, फिर ए से लेके एफ तक इसके लिए डाल, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, ये नहीं कि दोनों को एक को 9 डालें तो दूसरे को भी 9 डालेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग वैल्यू आप यहाँ से डाल सकते हो। तो मान लो रेड के लिए हम डालते हैं 30, ठीक है, या 3 बी डालती है, तो बी क्या हो जाएगा, जितना ऊपर की ओर जाओगे 1 रहेगा तो रेड कलर का वैल्यू क्या होगा, एकदम नॉर्मल सा रेड उठाएगा, और 9 होगा तो डार्क ही उसमें, और उससे भी डार्क जाना तो ए बी सी डी ई एफ, यानी कि लास्ट एफ तक जाओगे तो ज्यादा डार्क इस वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, रेड को कितना कर देना, थ्री, बी कर देते हैं, ग्रीन का वैल्यू 8, 3 कर देते हैं, 8, 5 कर देते हैं, हम कोई भी डिजाइन, और लास्ट ब्लू का वैल्यू सी जी भी कर सकते हैं, जरूरी कहाँ तक हम बताएं, एफ तक नहीं, सी एफ भी कर सकते हैं, इट मीन्स क्या कि हम अल्फाबेट एंड नंबर दोनों को मिक्स कर सकते हैं, केवल अल्फाबेट को भी लिख सकते हैं, केवल नंबर को भी लिख सकते हैं, अब सेमी कॉलन से इंड कर दीजिए, कंट्रोल एफ कीजिए, अब देखिए कोई ना कोई कलर तो बना के दे ही देगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, कभी भी इसमें आप कलर को क्या नहीं कर सकते हो, अब्सोल्यूट नहीं कर सकते, तो ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, यही चीज यहाँ पे आपको दिया हुआ भी है कि कलर वैल्यू आर आर बी बी जी जी बी बी, रेड ग्रीन और ब्लू डाल सकते हो, शॉर्ट हैक्स क्या करता है कि इसी सब का एक एक अंक जो है हटा देगा, डायरेक्ट रेड ग्रीन ब्लू आ जाएगा, वैल्यू डालने का तरीका यही होगा, ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, तरीका यही होगा, बस आप दोनों का एक एक डिजिट हटा दो, बस 3 ही डिजिट में डालना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितने अच्छे से कलर मिक्सिंग कर लोगे, कलर करेक्शन जितने अच्छे से कर लोगे, हेक्साडेसिमल में शॉर्ट हेक्स में नहीं कर सकते है, तो ये भी हेक्साडेसिमल वाला ही कोड लिखा जाएगा, लेकिन शॉर्ट हेक्स में मिक्सअप उतना अच्छे से नहीं हो पाता है, कंट्रोल एस करते हैं, देखना यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग होके रह गया, ठीक है, ये बस शुरुआती कलर को देखता, उसी के ऊपर चीजों को मिला के रख देता है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा कलर कोड में, क्लियर है एवरीवन, तो अलग अलग कलर कोड को देख सकते हो। अच्छा ये देखो आपको कलर का नाम हम बोले ये पूरा नोट्स में दिया हुआ है, तो ये सब नेम इसको उठा के आप लोग डाल सकते हो, चलेगा, और बता दे आज के लिए ये रहने दे इतना तक है, ठीक है। RGB का सिंटेक्स हम आप लोगों को लिखना बता ही देखे हैं, तो वही है 255001, तो आपको 255 तक लिख जाना है 0%, इतना नोट्स वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको CSS को कमेंट कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं, तो आज के लिए हम लोग रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे और भी चीजों को, तब तक के लिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग पूछ सकते हो।